सो ही गाइस, हाल ही में भी चल रहा है द मोस्ट वेटिंग मेजर लीग क्रिकेट। बट क्या ये लीग क्रिकेट की लैंडस्केप को चेंज कर सकता है? क्या ये लीग यूएसए में पॉपुलर हो सकता है? तो इसके जवाब की आंसर ही आज के वीडियो में मैं खोजने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में ना स्पेशली ज्यादातर आपको मेरे ओपिनियन ही देखने को मिलेगा, फैक्ट बहुत ही कम होगा। तो मेक श्योर आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर मेरा ओपिनियन ही होगा। वैसे तो आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। ऑलमोस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड साउथ एशिया में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह माना जाता है। बट इन अदर हैंड यूएसए में क्रिकेट का हमें इतना ज्यादा पॉपुलर होते हुए हमने नहीं देखा है, जहाँ पर क्रिकेट एक रीजन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बट अमेरिकन रीजन में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है। ऑल्दो यूएसए हैज ए रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री, डिड यू नो दैट जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था ना, वो खेला गया था बिटवीन यूएसए वर्सेस कनाडा के बीच में इन ईयर 1844 में। बट कुछ रीजन की वजह से ना, जो हम फ्यूचर क्रिकेट इन यूएसए की वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो ड्यू टू सम रीजन की वजह से ना गाइस, यूएसए में क्रिकेट का इतना पॉपुलर नहीं हुआ। बट दूसरी ओर बेसबॉल बहुत ही ज्यादा पॉपुलरिटी ग्रैब करने लगा यूएसए में। एक समय ऐसा भी आया था जब एमएलबी मेजर लीग बेसबॉल यूएसए की नंबर वन स्पोर्ट बन गया था एंड दूसरी ओर क्रिकेट सफर ही कर रहा था यूएसए में। बट थिंग्स स्लोली चेंज 2023 की एमएलसी की जो फर्स्ट इनॉग्रल सीजन हुआ, इस पे हमें कुछ तो होप जरूर देता है यूएसए के क्रिकेट की फ्यूचर की। बट सवाल तो आता है, क्या ये लीग सच में पॉपुलर हो सकते हैं? ओके, इस चीज को समझाने के लिए ना तो हमको थोड़ा हांगकांग में जाना पड़ेगा। 2016 में हांगकांग में एक बहुत ही पैशन के साथ एक T20 लीग का शुरुआत हुआ था। बट आफ्टर 3 एडिशन के बाद ये लीग जो था ना वो डिसमिस हो गया था गाइस। एंड इस लीग में ना बहुत ही बड़े बड़े नाम भी उस टाइम में मौजूद, प्लेयर लाइक कुमार संगकारा, क्रिस जॉर्डन एक्सेट्रा प्लेयर्स भी उस लीग को जाके खेलते थे जो हांगकांग में होता था, हांगकांग T20 ब्लिट्ज। एंड आफ्टर 3 एडिशन की बात ना, मतलब पहले एडिशन से ही ये लीग मतलब इंगित दे रहा था कि ये लीग एक फेलियर ही होगा। ओके, बट आफ्टर 3 एडिशन के बाद ये लीग डिसमिस ही हो गया था। एंड जो रीजन है गाइस इस लीग का मतलब पॉपुलर ना होने का, फर्स्ट देखो कि जो टीम्स है जैसे हांगकांग टीम्स में ना तो कोई नेटिव प्लेयर्स था, ना इस लीग में कोई हांगकांग या फिर चाइनीज लोकल प्लेयर्स था, ना तो ये लीग लोकल्स पे पॉपुलर था, जिसकी वजह से ये लीग मतलब किसी ना किसी से फेल ही होने वाला था। एंड ऑल्सो ऐसा ही सिमिलर चीज ना गाइस ग्लोबल T20 लीग में भी हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल T20 लीग में अगर देखोगे तो बहुत ही बड़े बड़े नाम मौजूद है जो खेलते हैं। युवराज सिंह ने भी पहले ग्लोबल T20 लीग को खेला है, सुरेश रैना, बहुत ही बड़े बड़े नाम जुड़ा हुआ है ग्लोबल T20 लीग से। बट आफ्टर 2 सक्सेसफुल सीजन के बाद अभी उनकी थर्ड सीजन भी चल रहा है ग्लोबल T20 लीग। बट इसके बाद भी ना गाइस इस लीग में हमें अभी तक भी कोई लोकल प्लेयर्स देखने को नहीं मिला है। एंड ऑल्सो गाइस जो पॉपुलर भी है क्रिकेट कनाडा में, वो ओनली जो मतलब इमिग्रेंट्स के बीच में ही पॉपुलर है। अभी तक भी जो कोर पॉपुलेशन है ना कनाडा की, इसके बीच में अभी तक पॉपुलर नहीं है, जिसके वजह से मुझे लगता है गाइस फ्यूचर में ग्लोबल T20 लीग भी एक सेकेंड हांगकांग T20 ब्लिट्ज बन सकता है। सो फैक्ट यही है कि इन दोनों स्टेट से एक ही बात साबित होता है, एक लीग ना गाइस एक नेशनल टीम को बिल्ड नहीं कर पाएगा, कभी भी बिल्ड नहीं कर पाएगा। अगर नेशनल टीम को बिल्ड करना है ना तो उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब जाकर ना नेशनल टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। एक लीग कभी भी इतना ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही अच्छा ना हो तो लीग कभी भी मदद नहीं कर पाएगा। ओके, एंड ये चीज ना गाइस हांगकांग एंड कनाडा में नहीं था, हांगकांग एंड कनाडा में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना की बराबर है, जिसकी वजह से हांगकांग T20 ब्लिट्ज फेल्ड हो चुका है एंड ग्लोबल T20 लीग भी फेल होगा। तो क्या MLC भी इस लिस्ट में, ये फेलियर T20 लीग्स की लिस्ट में थर्ड लीग बन सकता है? क्या MLC भी ग्लोबल T20 लीग हांगकांग ब्लिट्ज की तरह फेल हो सकता है? तो देखो इसका प्रोबेबिलिटी तो जरूर है। ऑल्सो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में उनका फर्स्ट सीजन चल रहा है गाइस। ओके, आने वाले टाइम में और भी सीजन होगा, तब जाके मैं एक फाइनल कंक्लूजन बता पाऊंगा, लेकिन अभी बताना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है गाइस। बट अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अमेरिका को देखोगे, ओके, अमेरिका की जो लीग्स है, जो पॉपुलर लीग्स है, जैसे NFL, NBA, MLB, NHL,
अगर हम इस सारे लीक्स को देखेंगे ना एंड सारे लीक को एक लिस्ट में हम प्लॉट करें तो क्या हमें निकल कर आता है? आप चारों लीक को अगर रखोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अमेरिकन्स को इस तरह की लीक देखना पसंद है। तो मैं एक लिस्ट बनाया है, एक 6 क्राइटेरिया की लिस्ट बनाया है। ओके, तो अमेरिकन लोगों को ना जो हाई स्कोर गेम्स है वो देखने उनको पसंद है, जिस गेम में हाई स्कोर देखने को मिलते हैं वो गेम वो लोग पसंद करते हैं। ऑल्सो अमेरिकन जो लोग है वो शॉर्ट पीरियड गेम्स देखना पसंद करते हैं, ना कि इन लॉन्ग स्पोर्ट्स। थर्ड पॉइंट मैंने जिसका नोटिस किया है, अमेरिकन लोगों को ना जो कलरफुल आउटफिट्स है एंड जो इम्प्रेसिव साउंडिंग नेम्स है, इस तरह के टीम के पीछे उनकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। जिस टीम में आपको कलरफुल आउटफिट्स देखने को मिलता है एंड जो इम्प्रेसिव नाम है लाइक द जेट्स, द आउटलॉस, ऐसे तरह के नाम जिस टीम में देखने को मिलता है ना, वो उस टीम के साथ अमेरिकन लोग बहुत ही तेजी से कनेक्शन बना लेते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको थोड़ा कार्निवल एटमोस्फियर पसंद है। फिफ्थली जो मैंने नोटिस किया है ना, उनको थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल गेम पसंद है। जैसा कि मान के चलो WWE टोटली फेक है, बट इसके बाद भी अमेरिकन लोग WWE को पसंद करते हैं। तो इसके पीछे रीजन सिंपल है, उनको थोड़ा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल गेम पसंद है। एंड ऑल्सो जो 6 पॉइंट मैंने नोटिस किया है ना गाइस, उनको थोड़ा हार्ड एथलेटिज्म गेम पसंद है गाइस। जिस स्पोर्ट्स में आपको हार्ड एथलेटिज्म देखने को मिलते हैं ना, उस तरह के स्पोर्ट अमेरिकन लोग पसंद करते हैं। तो 6 पॉइंट को आप रखो, तो आप क्रिकेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या क्रिकेट ये 6 पॉइंट को फुलफिल करता है या फिर नहीं? देखो, मैंने जितना क्रिकेट को समझा है ना गाइस, क्रिकेट कुछ कुछ मामलों में इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है एंड कुछ कुछ मामलों में इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। तो देखो, इसका आंसर तो अमेरिकन लोग ही दे पाएंगे, क्या उन्हें क्रिकेट देखना पसंद है या फिर नहीं। तो ये टाइमिंग ही बताएगा, मतलब आने वाले 2-3 सीजन ही बताएगा कि MLC क्या कर सकते हैं, MLC क्या पॉपुलर हो सकते हैं या फिर नहीं। एंड ऑल्सो गाइस, USA में मतलब स्पोर्ट्स की बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है। मैं आपको एक टैग्स बताता हूँ। NFL जो है, नेशनल फुटबॉल लीग, वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। इसके बाद NBA जो है वो नवंबर से लेकर मार्च तक चलता है। इसके बाद जो बेसबॉल है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक चलता है गाइस। एंड ये 3 स्पोर्ट्स का डोमिनेशन USA में सबसे ज्यादा है। एंड इसके साथ साथ देखो NHL भी होता है जो बहुत ही पॉपुलर धीरे धीरे हो रहा है गाइस। सो USA में ना क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। अगर क्रिकेट USA में सच में पॉपुलर होना चाहता है ना गाइस, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि मतलब USA में क्रिकेट बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो सकता है। रिसेंट ईयर्स में ना जो बेसबॉल है, बेसबॉल की जो पॉपुलरिटी है ना वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है गाइस। एंड जिसके वजह से ना गाइस, जो व्यूअरशिप है ना बेसबॉल में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्या क्रिकेट बेसबॉल की इस गैप को फुलफिल कर पाएगा? क्या आपको लगता है? नीचे कमेंट में बताना। मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो कि इस गैप को क्रिकेट फुलफिल कर सकता है। बेसबॉल के डाउनफॉल होने के बाद जो खाली मार्केट है ना, जो मेजर लीग सॉकर है, वो इस मार्केट को अभी ग्रैब कर रहा है। जो मार्केट बेसबॉल ने लूज किया है ना, इस मार्केट को अभी मेजर लीग सॉकर ग्रैब कर रहा है। रिसेंट ईयर्स में MLS जो मेजर लीग सॉकर का जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा है गाइस USA में। NBA NFL से भी ज्यादा है गाइस। तो क्या MLC मेजर लीग क्रिकेट मेजर लीग बेसबॉल की मार्केट को ले सकता है या फिर नहीं? ठीक, तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो क्रिकेट को अभी इस मार्केट को ना क्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज क्रिकेट बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होगा गाइस। क्योंकि जितना मैंने स्टैट्स आपको बताया ना गाइस, इसमें साफ साफ इंगित देता है क्रिकेट अमेरिकन की पायलट में कभी भी सेट नहीं बनता। तो अगर क्रिकेट बेसबॉल की मार्केट को थोड़ा ग्रैब कर लेना, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि क्रिकेट अमेरिका में पॉपुलर हो। एंड ऑल्सो गाइस, क्रिकेट को ना USA में ना बर्सली प्रोमोट करना होगा। जो प्रोमोटिंग स्ट्रेटेजी आज के टाइम यूज कर रहा है ना MLC की बोर्ड, वो काइंड ऑफ अगर इंडिया में होता तो चल जाता, बट US मार्केट इंडिया की मार्केट से बिल्कुल ही अलग मार्केट है। तो अगर सच में क्रिकेट USA की मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं ना, तो कुछ अलग तरह की स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा, तब जाके कुछ बन सकता है। एंड ऑल्सो गाइस, जो 2023 की जो अभी सीजन चल रहा है MLC की, मुझे तो एक काइंड ऑफ मतलब फोर्सफुल सीजन लग रहा है। इतना अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, मतलब फोर्सफुल सीजन ही लग रहा है। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव्स भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि तू क्रिकेट का हीटर है। ओके, तो पॉजिटिव की बात पे बताना चाहता हूँ। MLC की जो ओपनिंग मैच है वाज अ रोरिंग सक्सेस अकॉर्डिंग टू डेनियल मैथ्यूज, जो उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट मैच हुआ था ना वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा था गाइस। एंड ऑल्सो अगर USA में MLC पॉपुलर होना चाहते हैं ना, जो नेटिव प्लेयर्स है ना वो 2-3-4 सालों के अंदर टीम्स पे लाना पड़ेगा गाइस। एंड ऑल्सो गाइस, अभी MLC को ना जो नेटिव प्लेयर्स है उनके बीच में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनको अभी ये फोकस करना चाहिए कि 2-3-4 साल के अंदर ना
जो नेटिव प्लेयर्स अमेरिकन से उनको MLC के टीम के अंदर लाने के लिए, ऑल्सो जो फैंस से नॉट ओनली द इंडियन अमेरिकन जो अदर नॉन क्रिकेटिंग फैंस है उनको भी इस गेम के अंदर अट्रैक्ट करना होगा गाइस ग्लैमर से, तब जाकर कुछ बात बन सकता है। डनमोर सेड कि क्रिकेट एग्जिस्टिंग फैन बेस इन द US मेड इन द स्पोर्ट्स फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट। जी हाँ, डनमोर ने कहा है कि जो जितने भी आज के टाइम में USA में क्रिकेट फैंस है इसके साथ ही अमेरिका बन जाता है वर्ल्ड की फिफ्थ क्रिकेटिंग मार्केट। तो मार्केट तो बहुत ही बड़ा है, ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ही ज्यादा है, बट क्या MLC के जो बोर्ड मेंबर्स है, जो ऊपर के लोग हैं, क्या इस पॉपुलैरिटी को यूज करके मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं फिर? नहीं, ये तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, बट अभी के टाइम में मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। अभी के टाइम में मुझे नहीं लगता MLC USA क्रैक कर लेगा, बट फ्यूचर देखते हैं गाइस। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग एंड प्रमोशन एंड ऑल्सो इन्वेस्टिंग लोकल प्लेयर्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, तब जाकर ना MLC US मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो क्या सोचते हो आप इसके बारे में, तो नीचे जरूर कमेंट पर बताना गाइस। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से लीग के ऊपर आप जानना चाहते हो, नीचे कमेंट पर बताना गाइस। एंड ऑल्सो आपको पता है मेकिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट इट इज मोर डिफिकल्ट, सो अगर आप हेल्प कर सकते हो ना तो जरूर करना गाइस। ओके, हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।